चाट रेडी हो चुकी है, अब डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह गाइस, ये बहुत ही यम्मी बनती है। आज हम बना लिए गए हैं मजेदार सी चाट। तो इसलिए मैंने आलू ले लिए हैं, चने ले लिए हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी केले, आड़ू और छह केले थे, दो अदद आड़ू, तीन अदद शक्करी माल्टे का पल्प मैंने ऐड किया है। बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी से भरपूर। और छह अदद मैंने ये एप्पल काटे थे और एप्पल इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अनार, अनार के दाने भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अब इसमें डालेंगे अंगूर और ये खजूर है, खजूर काटी है इस तरह से, खजूर और किशमिश को आप दें, किशमिश भी इसमें ऐड कर लेंगे। वाश करके अच्छी तरह से रखी हुई थी तो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आम ऐड कर लेंगे, मैंगो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारी चटपटी सी मजेदार चाट रेडी हो चुकी है। एक टीस्पून मैंने इसके अंदर अब नमक ऐड किया है। आप लोग अपने हिसाब से चाट बनाएं, जितनी आप लोग को चाट की मीठी मीठी चाट बना रहे हैं। और इसमें एक टेबल स्पून फुल दो सर्विंग स्पून शहद के ऐड कर लेंगे। और तो एक सर्विंग स्पून हम लेमन का जूस इसमें ऐड कर देंगे। किस तरह से हम ऐड कर देंगे इसको जला के। और इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, एक नमी वाली मिर्ची है। चलिए हम थोड़ी सी इसमें डाल लेते हैं, इसका टेस्ट जरा अच्छा हो जाता है। आप लोग काली मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, हम तो जब चाट बनाते हैं तो डालते ही डालते हैं। आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं, लेमन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे ये मीठी चाट बहुत मज़ेदार सी लेमन के बगैर तैयार हो चुकी है। इसको हम मिक्स करेंगे इसमें। कितनी खूबसूरत चाट है, कलरफुल। हाल आजकल मौसम के लिहाज से सारे हम इन इसमें ऐड कर सकते हैं। और गाइस, हमारे यहाँ पे तो ड्रैगन वाला पम्पकिन आता नहीं है, ड्रैगन फ्रूट तो फ्रेश फ्रूट है और टिन वाला कोई भी फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया। इस तरह से बड़ी अच्छी चाट बनती है, बच्चों को आप भी बना के दें। डिलीशियस चाट। और अगर गाइस इस चाट के साथ थोड़े से ना चने वाले चावल हो तो बहुत मजा आएगा। चाट रेडी हो चुकी है, अब डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह और गाइस, ये बहुत ही यम्मी बनती है। मीठी भी जबरदस्त। आपने अगर डालना है तो आप चाट मसाला इस पे डाल सकते हैं, मैंने इस पे चाट मसाला ऐड नहीं किया। ये मैंने चाट कितनी कलरफुल बनाई है। मैं अपने बेबी के लिए भी डालूंगी। टेस्ट करके आपको बताएगी कि ये कैसी बनी है। टेस्ट करके बताऊंगी। बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही खट्टी मीठी बनी है।
वाकई में इसका बहुत ही इसको खाने का मजा आ रहा है। तो गाइस आप लोग भी इसको एक दफा ट्राई करें, मुझे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाया करें। बस मेरी हर रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है कि मैंने आज मम्मा को ये चाट का आइडिया दिया था। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घर में बहुत सारे याद रखे, खुश रहे, आबाद रहे, आप भी इस मज़ेदार की चाट को एंजॉय करें। बाय बाय। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।